गुड मॉर्निंग डियर गेट अस्पायरेंट्स माई से सुनील यादव आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 112 हंड्रेड ट्वेल्व इन गेट टू सो वेलकम टू देवत गेट इजी आज हम बात करेंगे क्लोसियस इनक्वलिटी के बारे में हमने कल बात की थी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक हमने कल बात की थी कार्नॉट साइकिल के बारे में आज हम बात करेंगे क्लोसियस इनक्वलिटी क्या होती है तो आपने लास्ट टाइम जब कार्नॉट साइकिल के बारे में डिस्कशन किया था तो आपने एक चीज ऑब्जर्व किया था कार्नोट थियरम कार्नोट थियरम आई होप सो so, कार्नोट की थियरम आपको पता होगी क्या थी कार्नोट की थियरम अगर सेम सोर्स के बीच में या सेम सिंक के बीच में मान लीजिए ये सोर्स है टी वन है ये सिंक है टी टू है सोर्स और सिंक बहुत अच्छे तरीके से बताया था आपको बताने की आवश्यकता नहीं है अगर सेम सोर्स और सेम सिंक के बीच में एक आपका हीट इंजन है जो एक्चुअल है और एक हीट इंजन है जो क्या है रिवर्सिबल इंजन है कि कार्नोट साइकिल वो काम करता है तो कार्नोट की थिरम कहती है कि जो हीट इंजन की इफिशियंसी होगी किसकी एक्चुअल की दैट विल बी लेस देन इक्वल टू रिवर्सिबल हीट इंजन दैट मीन्स कि कारनॉट हीट इंजन कारनॉट को रिवर्सिबल क्यों कहते हैं क्योंकि तो ये एक्सटर्नली और इंटरनली रिवर्सिबल दोनों होता है तो ये मोस्ट परफेक्ट साइकिल होता है ठीक है आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कल <coughs> अच्छा इसी को मैं एक और तरीके से भी समझा सकता हूँ आपको जैसे आपको मैंने बताया था कि एक हीट सोर्स है आप दो नहीं एक ही लेते हैं एक हीट सोर्स है टीवन और आपको मैंने बताया था ये आपका हीट इंजन है इसके बाद ये आपका सिंक है सिंक है टी टू टेम्परेचर है कि नहीं ठीक अब यहाँ से हमने क्या किया यहाँ से हमने एक वर्क ले लिया है कि नहीं यहाँ से हमने क्या किया एक वर्क ले लिया अब मुझे बताओ कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ से मैं Q1 दे रहा हूँ इसको और Q2 ये रिजेक्ट कर रहा है हीट इंजन तो इसकी इफिशियंसी क्या होगी आप जानते हैं इसकी इफिशियंसी होगी वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इसी इंजन में कार नॉट या रिवर्सिबल साइकिल की इफिशियंसी को पूछ रहा हूं तो क्या होगी आप कहेंगे सर वन माइनस टी मैक्सिमम यह ठीक है थोड़ा सा हैंग हो गया था और कोई बात नहीं इफिशियंसी क्या होती क्यू टू अपॉन क्यू वन होती है ये आपका किसका है हीट इंजन जब एक्चुअल हीट इंजन एक्चुअल इफिशियंसी हम निकाल रहे हैं लेकिन अगर मैं इसकी रिवर्सिबल इफिशियंसी या फिर इसी को हम बोलते हैं कारनाट इफिशियंसी जब हम बोले रिवर्सिबल इफिशियंसी तो आप समझ लीजिए कार्नॉट इफ़िशियंसी की हम बात कर रहे हैं क्योंकि रिवर्सिबल एक परफेक्ट होता है और परफेक्शन हो नहीं सकती तो इसकी रिवर्सिबल कार्नोट की क्या होती है वन माइनस टी मिनिमम अपॉन टी मैक्सिमम यही होती भाई ठीक है तो मुझे बताओ ये क्या है ये टी मैक्सिमम है सर ये क्या है ये टी मिनिमम है इस साइकिल के लिए है कि नहीं तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ टी मिनिमम की जगह टी टू टी मैक्सिमम की जगह टी वन लिख सकता हूँ अब अब आते हैं कार्नोट थ्योरम पे कारनोट थ्योरम क्या कहती है यह कहती है, है, है तो, हमेशा किसके होगी? आपके के. मतलब या तो उसके इक्वल होगी या तो उससे ज्यादा होगी उससे कम हो ही नहीं सकती किसी भी कीमत पे सबसे ज्यादा इफिशियंसी इसी के होगी तो मैंने कहा ठीक है कार्नॉट की इफिशियंसी बताओ उन्होंने कहा वन माइनस टी टू अपॉइंट उसके बाद हमने कहा हीट इंजन की इफिशेंसी बताओ उन्होंने कहा वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन ठीक है यहाँ से एक चीज़ कॉमन है वन टू वन कैंसल आउट हो सकता है और अब हमारे पास बचेगा माइनस टी टू अपॉन टी वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू टू अपॉन क्यू वन आपके पास ये बचा सॉरी माइनस में अब अब इसको इधर लेके आना है या इसको इधर लेके आना है तो अच्छा क्या होगा अच्छा यह होगा दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं हमेशा याद रखना मैं आपको बता रहा हूं एक नोट्स लिख लेना साइड में फाइव स्टार नोट से कम नहीं है ये बात मुझे भी पहले नहीं पता थी बाद में पता चली थी तो ऐसा नहीं कि हर किसी को हर चीज़ की जानकारी हो जब भी जानकारी हो तब सीख लो ये इम्पोर्टेंट होता है ठीक है तो जैसे मान लीजिए आपके सामने माइनस टू है इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू फोर है मान लीजिए ग्रेटर देन क्या इसको आप मान लीजिए ट्वेल्व है <coughs> थोड़ा लॉजिक भी भिड़े ना यार माइनस ट्वेल्व इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर मान लीजिए एक एग्जांपल है ऐसा हो तो हो सकता नहीं है मान है तो यहाँ पे क्या करेंगे अगर मुझे माइनस ट्वेल्व का साइन चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा तो एक तरफ बारह हो जाएगा एक तरफ माइनस चार हो जाएगा लेकिन यहाँ पे कहानी क्या होगी इसका जो साइन है ना इनक्वलिटी का हमेशा याद रखना इनक्वलिटी की केस में इनक्वलिटी की केस में जैसे ही हम अगर दोनों तरफ माइनस से, से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखना इस इनक्वलिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है और वो हो जाएगा ऐसे ये एग्ज़ाम्पल सही है कि नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट क्या था आपको लॉजिक समझना था लॉजिक ये है कि अगर दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका इनक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है इस बात को ध्यान रखना वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी लगाते हैं हम क्या करते हैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि थोड़ा सा और चीजें आसान हो जाएं तो हमारे सामने क्या आ गया t2 टू अपॉन टी वन इज लेस देन इक्वल टू क्यू टू अपॉन क्यू वन ठीक है अब मैं इसको कैसे कर सकता हूँ इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि सर ये Q2 टू अपॉन टी टू इज ग्रेटर दैन इक्वल टू क्यू वन अपॉन टी वन लिख सकता हूँ ईजीली लिख सकता हूँ कोई इशू नहीं ठीक है अब मैं इसको इधर भी ला सकता हूँ अब मैं इसको लिख सकता हूँ Q1 वन अपॉन टी वन माइनस क्यू टू अपॉन टी टू इज लेस देन इक्वल टू जीरो चीज़ भी लिख सकता हूँ ठीक है मैंने क्या किया Q2 को इधर लेके चला आया मैंने माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया इसलिए साइन वही वही रहेगा सेम रहेगा अब अब जरा ध्यान से समझना अगर मैं इस इक्वेशन की एक जनरल इक्वेशन बनाना चाहूँ जैसे इस इक्वेशन की एक जनरल इक्वेशन ये तो एक एक्चुअल इक्वेशन है एक्चुअल इक्वेशन है अगर मैं जनरल इक्वेशन बनाना चाहूँ जनरल इक्वेशन क्या है सर जनरल इक्वेशन जैसे आपकी थी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब आप एन के अलग अलग वैल्यूज पे जीरो एन इन्फिनेटिव वन गामा एन मतलब कुछ भी एन की अलग अलग वैल्यूज पे आप क्या करते थे अलग अलग इक्वेशंस को पाते थे वैसे ही जब मैं इसकी जनरल इक्वेशन बनाना चाहूँगा इसकी जनरल इक्वेशन बनाना चाहूँगा तो मैं क्या बना सकता हूँ मैं बनाऊंगा सर Q1 वन अपॉन टी वन मैं बनाना चाहूँगा सर Q1 वन अपॉन टी वन प्लस क्यू टू अपॉन टी टू इज इक्वल टू सॉरी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो क्या ये मोस्ट जनरल इक्वेशन है क्या यही है जनरल इक्वेशन कैसे सर क्यों आपने प्लस क्यों कर दिया यहाँ पे यहाँ तो माइनस था माइनस इसलिए था बेटा माइनस था क्यों इसका कारण समझ लेते हैं यहाँ पे माइनस इस इक्वेशन अगर मैं कहूँ इक्वेशन नंबर वन है ये इक्वेशन नंबर टू है तो इक्वेशन नंबर वन में यहाँ माइनस क्यों था और यहाँ मैंने प्लस क्यों कर दिया है इसका कारण समझते हैं फिगर को थोड़ा सा देखने के बाद जब देखिए इस क्वेश्चन को इस फिगर को ध्यान से समझिए इस फिगर में अगर मैं कहूँ कि हमारे पास क्यू वन अपॉन क्यू टू सॉरी q1 वन अपॉन टी वन माइनस क्यू टू अपॉन टी टू है इस इक्वल टू सॉरी लेस देन इक्वल टू जीरो है तो ये हमारी एक्चुअल इक्वेशन है लेकिन अगर मैं कहूँ कि q1 वन अपॉन टी वन प्लस क्यू टू अपॉन टी टू ये हमारी जनरल इक्वेशन है सॉरी लेस देन इक्वल टू जीरो जनरल इक्वेशन है कैसे सर देखिए जनरल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जहाँ पे आप अलग अलग कंडीशन को अप्लाई करके अलग अलग वैल्यूज को पा सकते हैं जैसे जनरल इक्वेशन में जरा देखिए Q1 क्या है हम हीट इंजन को दे रहे हैं तो अगर हम किसी इंजन को हीट दे रहे हैं तो क्या होगी वो पॉजिटिव होगी लेकिन अगर हम हीट इंजन से हमारी हीट रिजेक्ट हो रही है तो क्या होगी ये नेगेटिव होगी तो अगर मैं इस जनरल इक्वेशन में जो हमारी है ये जनरल इक्वेशन जनरल इक्वेशन में अगर मैं Q2 को चूंकि Q2 हीट रिजेक्टेड है अगर मैं इसी जनरल इक्वेशन में Q2 को माइनस रख दूं तो क्या हमारे पास यही इक्वेशन नंबर वन आ जाएगी बिल्कुल आ जाएगी मतलब ये हुआ कि इक्वेशन नंबर वन एक एक्चुअल है जो इस इस केस को रिप्रेजेंट कर रही है लेकिन इक्वेशन नंबर टू एक ऐसी केस है जो एक जनरल है जनरल फॉर्म है यहां पे मान लीजिए एक के बजाय दो तीन हीट इंजन चार हीट इंजन होते तो फिर हमारी कौन सी इक्वेशन लगती जनरल इक्वेशन लगती जैसे मैं आपका आपको इसको, इसका एक और एग्जाम्पल बता देता हूं ठीक है जैसे हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या है हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गई सर q1 वन अपॉन टी वन प्लस क्यू टू अपॉन टी टू इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो जनरल इक्वेशन है और यही याद रखना है आपको आपको वो सारी इक्वेशन नहीं याद रखना यही याद रखना इसी को याद रखना है अब इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ समेशन ऑफ q अपॉन टी इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है कि नहीं ठीक एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए एक ही सोर्स है ये आ, एक सोर्स नहीं आप मान लीजिए कई सोर्स मान लीजिए एक सोर्स ये है आपका T1 है यहाँ से Q1 आ रही है आपका एक हीट इंजन है यहाँ से कोई टी टू है यहाँ से भी एक हीट आ रही है क्यू टू आ रही है एक और मान लीजिए सोर्स है टी थ्री यहाँ से भी कोई हीट आ रही है आपके पास क्यू थ्री आ रही है और यहाँ से एक हीट रिजेक्ट हो रही है टी फोर पे हीट रिजेक्ट हो रही है क्यू फोर और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है हीट इंजन से एक वर्क मिल रहा है तो इस सिचुएशन में आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप जनरल फार्मूला लगाएंगे कैसे Q1 वन अपॉन टी जो हीट आप दे रहे हैं देखिए ध्यान से समझिए इस इक्वेशन इस फॉर्मूले में आपको क्या ये कंडीशन जो है इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया हुआ ये एग्जाम्पल समझिए इसी एग्जाम्पल पे लगभग क्वेश्चन आए हुए हैं ये एग्जाम्पल समझिए यहाँ पे क्या रखेंगे सबसे पहले <coughs> Q1 वन अपॉन टी वन प्लस क्यू टू अपॉन टी टू प्लस क्यू थ्री अपॉन टी थ्री माइनस क्यू फोर अपॉन टी फोर इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू जीरो ये रखेंगे कैसे सर Q1 आपने हीट इंजन को हीट दिया तो Q1 पॉजिटिव Q1 पॉजिटिव अगर आपने हीट इंजन को फिर से हीट दिया तो Q2 पॉजिटिव Q2 पॉजिटिव हीट इंजन को फिर से आपने हीट दिया Q3 पॉजिटिव तो ये Q3 पॉजिटिव लेकिन हीट इंजन से Q4 निकला तो हमने क्या कर दिया इसको नेगेटिव कर दिया तो साइन कन्वेंशन का हमेशा याद रखना कि अगर हीट सिस्टम से निकल रही है तो हम वहां पे नेगेटिव लेंगे और अगर हीट आ रही है तो सिस्टम पे हम पॉजिटिव लेंगे और उसी इसी साइन कन्वेंशन के साथ विद साइन कन्वेंशन विद साइन कन्वेंशन वी कैन यूज दिस जनरल इक्वेशन ठीक है बात समझ में आई ये जनरल इक्वेशन आई कहां से सर ये जनरल इक्वेशन आई हमारी कारनॉट थियरम से क्लियर है Clear. अब आपके सामने आया क्या आपके सामने मिला क्या सर मेरे सामने यह मिल गया कि समेशन ऑफ क्यू अपॉन टी इज लेस देन लेस देन इक्वल टू जीरो आया अगर मैं इसी को समेशन करूं वो जो समेशन था उसको उसी को मैं क्लोज्ड इंटीग्रल कर दूं कि मतलब क्योंकि वो जो, जो क्या है आपकी साइकिल क्या है क्लोज्ड साइकिल है तो क्लोज साइकिल में सारे के सारे वैल्यूज़ को मैं इंटीग्रेट करके मतलब कि सारी की सारी वैल्यूज़ को मैं कंसीडर कर लूँ तो मैं इसी को लिखूंगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी क्यू अपॉन टी या फिर क्यू अपॉन टी आप डी क्यू मत लिखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे आप लिखिए क्यू अपॉन टी क्यू अपॉन टी इज लेस देन इक्वल टू सीरो और यही क्या है यही आपकी है क्लोसियस इनक्वलिटी यही क्या है क्लोसियस इनक्वलिटी तो आपको समझ में आया होगा कि क्लोसियस इनक्वलिटी होती क्या है नॉर्मली हम क्यू को डी क्यू लिखते हैं मेरी अपनी लैंग्वेज है मैं नॉर्मली क्यू को क्या लिखता हूँ डी क्यू लिखता हूँ तो उससे कन्फ्यूज़ मत होना कहीं पे अगर मैं डी क्यू लिख दूँ तो ठीक है यही है क्लौसियस इनक्वलिटी अब क्लौसियस इनक्वलिटी से दो तीन चीज़ों का अवतरण हुआ कैसे पहला इसी से इसी फॉर्मूले में तीन कंडीशंस आई पहला ये अगर ये डी क्यू अपॉन टी लेस देन जीरो है मान लीजिए चूंकि ये दो यहां पे दो कंडीशंस थी अगर ये लेस देन जीरो है तो ये किसके लिए है ये इ रिवर्सेबल साइकिल के लिए इिवर्सिबल साइकिल का मतलब कि एक्चुअल साइकिल एक्चुअल साइकिल में आपका टी समेशन ऑफ क्यू बाई टी हमेशा क्या होगा लेस देन इक्वल टू सॉरी लेस देन जीरो होगा बात समझ में आई दूसरा सर अगर मैं कहूं कि डीक्यू क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू जीरो है तो ये किसके लिए है ये इक्वल टू जीरो हमेशा और हमेशा रिवर्सिबल साइकिल के लिए होगा साइकिल <laughs> रिवर्सिबल साइकिल जो कि क्या है आइडियल साइकिल है परफेक्ट साइकिल है तीसरा क्या है तीसरा सर अगर मैं कहूं कि डी क्यू अपॉन टी कोई कहे ग्रेटर देन जीरो है तो ये पॉसिबल ही नहीं है ये संभव नहीं है अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो ये नॉट पॉसिबल के केस में आएगी ये संभव ही नहीं है कि ऐसा हो सके याद रखना ये तीनों कंडीशन क्लोसियस इनक्वलिटी की कंडीशन है तीनों कंडीशन पे क्वेश्चन गेट में आए हुए हैं ये इस चीज को ध्यान रखना अब दूसरी चीज यह है क्लोसियस इन ही एक ऐसी इक्वेशन है जो इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक है फॉर साइकिल भी याद रखना अगर मैं साइकिल की बात करूं तो यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक है साइकिल के लिए क्लोशियस इन क्लियर है चलिए मैंने क्या बोला मैंने ये बोला कि मैं अगर Q को DQ भी लिख रहा हूं तो यहां कंफ्यूज मत होना मेरी आदत है डी क्यू लिखता हूँ मैं चेंज इन क्यू और कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअली डी क्यू किस बात को रिप्रेजेंट करता है सिंपल क्यू एक तरह से प्रॉपर्टी टाइप का दिखता है और डी क्यू क्या दिखता है एक तरह से पाथ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है पाथ फंक्शन को अगर हम सिंपल क्यू लिखते हैं तो मतलब है तो क्यू ही थी पाथ फंक्शन ही है लेकिन आ, हाँ ठीक है लेकिन क्या है कि थोड़ा सा ऐसे लिखने से ये पता चलता है कि हाँ ये पाथ फंक्शन है और कुछ नहीं क्योंकि और चीजें क्या होती है डेल एच होती हैं डेल के साथ होती हैं ये पॉइंट फंक्शन होता है तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए अब क्लोशियस इनक्वलिटी से हमारे पास तीन चीजें आ गई अब जब क्लोशियस इनक्वलिटी थी डी क्यू अपॉन टी इज लेस देन इक्वल टू तो जरा देखना मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश की मैंने क्या किया क्लोशियस इनक्वलिटी को क्लोशियस इन को क्लोशियस साहब ने कहा कि यार ये जो राइट right साइड में जीरो है क्या मैं यहां पे कुछ लिख सकता हूं कैसे लिख सकता हूं जब देखते हैं इसको जब देखते हैं कि एक आपके पास ये था साइकिल था पी डायग्राम ध्यान से समझना एक आपके पास साइकिल था वन टू टू एक साइकिल था टू टू थ्री और एक साइकिल था थ्री टू वन ये आपको मैंने पहले बताया हुआ है इस केस में जब मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक लगाया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक लगाया तो मैंने क्या देखा मैंने देखा सर डी क्यू देखिए यहाँ पे भी क्यू लिखता हूँ ना डी क्यू वन टू टू प्लस डी क्यू वन टू टू प्लस डी क्यू टू टू थ्री प्लस डी क्यू थ्री टू वन इज़ इक्वल टू क्या इंटरनल एनर्जी मान लीजिए एनर्जी लेता हूँ मैं सिर्फ एनर्जी ही लेता हूँ मान लीजिए कि यहाँ ई वन है यहाँ ई टू अनर्जी है यहाँ ई थ्री अनर्जी है ना कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ एनर्जी लेता हूँ मैं तो क्या हो जाएगा ये पहली बात तो हो जाएगा पहले वाली प्रोसेस में वन टू टू वाली प्रोसेस में ये वन टू टू वाले प्रोसेस में क्या होता है ई टू माइनस ई वन होता है फिर प्लस टू टू थ्री वाले प्रोसेस में क्या होता है थ्री माइनस ई टू प्लस थ्री टू वन वाले प्रोसेस में क्या होता है E1 वन माइनस ई थ्री प्लस अभी क्यू भी है वर्क क्योंकि देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ में क्या कहता है हीट का समेशन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जीज या एनर्जीज प्लस वर्क डी डब्ल्यू वन टू टू प्लस डी डब्ल्यू टू टू थ्री प्लस डी डब्ल्यू थ्री टू वन बात समझ में आई जब ध्यान समझना ये देखिए E2 से ए कटेगा E1 से ये कटता है और ये E3 से E3 कटता है तो आपके पास फाइनली क्या जाता है समेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू समन ऑफ डी डब्ल्यू यही आता है इस बात से क्या पता चला इस बात से एक चीज प्रूफ हुई कि अगर हम साइक्लिक इंटीग्रल दैट मींस कि अगर हम किसी साइकिल का किसी साइकिल में अगर सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं अगर हम उसका समेशन करते हैं तो वहां पे जो पाथ फंक्शंस हैं बाउंड्री फिन हैं उन्हीं का समेशन रहेगा बाकी जो प्रॉपर्टी फंक्शंस हैं जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चाहे एनर्जी हो चाहे एंथेल्पी हो चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो कुछ भी हो वो जो थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज हैं उनका समेशन साइकिल में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ये बात समझ में आई इस बात से ये चीज प्रूव हुई कि अगर मैं साइकिल में पूरी साइकिल के ऑब्जर्व करता हूं पूरी साइकिल में समेशन करता हूं सारी एनर्जीज का चेंज इन एनर्जीज का तो वो सारी एनर्जी क्या हो जाती है जीरो हो जाती है इसीलिए हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक में डीक्यूज इक्वल टू डी डब्ल्यू आया हुआ था समेशन ऑफ इक्वल टू डी डब्ल्यू क्लोज इंटीग्रेट बात समझ में आई अब यहाँ से एक बात मेरे दिमाग में आती है कि यार यहाँ पे आपके पास एक क्लोज इंटीग्रल है तो यार ये अकेला तो क्लोज इंटीग्रल होगा नहीं कुछ यहाँ पे भी क्लोज इंटीग्रल होना चाहिए तभी ये बराबर की केसेस कुछ बन सकती हैं भाई सामने अगर ये बराबर की केसेस बन रही हैं तो ये केसेस क्या हैं यहाँ पे भी कुछ क्लोज इंटीग्रल होना चाहिए और वो क्लोज्ड इंटीग्रल चूंकि जीरो है अगर मैं किसी चीज़ का किसी चीज का किसी चीज का मान लीजिए वो कोई भी चीज हो इसका क्लोज इंटीग्रल निकालू जीरो हो तो चूंकि यहां पे जीरो तो था देखिए यहां पे ये चीज जीरो है ये जीरो है अब ये जीरो कहां से आ सकती है ये जीरो आ सकती है अगर मैं किसी चीज का क्लोज्ड इंटीग्रल निकालूं और वो जीरो हो जाए तो वो कौ, कौन सी चीज़ हो सकती है वो एक थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी हो सकती है सर अगर मैं थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी को का क्लोज इंटीग्रल निकालता हूँ तो वो ज़ीरो होगा हंड्रेड परसेंट होगा ये बात सर अभी आपने बताई यह चीज़ यहाँ से मैंने ये चीज़ रिप्रेजेंट कराई कि क्लोज इंटीग्रल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ये है क्लोज इंटीग्रल का मतलब हुआ कि इसका पूरा क्लोज साइकिल के अंतर्गत उसका चेंज इन समेशन तो अब क्लोशियस ने सोचा कि यार यहां पे ऐसी कोई थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी रख दें जहां पे इसका क्लोज्ड इंटीग्रल निकाल दें तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और बैलेंस कर सकता हूं तो चलिए कैसे किया उन्होंने बैलेंस देखते हैं उन्होंने कहा कि यार हमारे पास आपने एक डी क्यू तो मिल गया था लेस देन इक्वल टू जीरो अब यार इस जीरो को चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा किसी ऐसी प्रॉपर्टी का क्लोज इंटीग्रल निकालना होगा कोई भी प्रॉपर्टी हो वो क्या होगी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए बस बस अगर किसी थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी के हम क्लोज इंटीग्रल निकालते हैं तो वो जीरो आ जाएगा तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी तो हमने क्या किया क्लोसियस क्लो, ने साहब ने क्या, क्या काम किया डी की ओपॉन्ट टी रखा और यहाँ पे इन्होंने बोला कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ एक इन्होंने चेंज इन क्या रख दिया एंट्रॉपी इन्होंने एक नाम दिया एक नाम दिया इन्होंने कहा ये है एंट्रोपी अगर हम एंट्रोपी को चेंज इन इंटीग्रल करेंगे क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा इन्होंने कहा इस प्रॉपर्टी को इस थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी को दैट मीन्स की सबसे पहली बात तो यह पता चली कि यह एंट्रोपी क्या है एक थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी है, है कि नहीं ये एक थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी है पहली बात अब एंट्रोपी के डेफिनेशन क्या है एंट्रोपी होती क्या एंट्रोपी है क्या अब एंट्रोपी क्या है एंट्रोपी एक ऐसा शब्द है एंट्रोपी एक ऐसा शब्द है जो अदर लैंग्वेज से आया हुआ है एक अदर लैंग्वेज है ये एक इंग्लिश वर्ड नहीं है अब एंट्रोपी का मतलब होता है एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस रैंडमनेस या, या फिर डिसऑर्डरनेस रैंडमनेस क्या है कोई भी चीज़ रैंडमली रखी हुई है कोई आपका एक प्रॉपर तरीके से नहीं रखा हुआ है ये एक्चुअली ये जो एंट्रापी है एंट्रापी एक टाइप की एनर्जी है एंट्रापी का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो क्या होता है रैंडमनेस। तो मतलब कि एक ऐसी एनर्जी एक ऐसी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी जो रैंडमनेस में हो जो क्या हो आपकी डिसऑर्डर्ड तरीके से हो अगर मैं एंट्रोपी की एक्चुअल जो आपकी ये फिजिकल इंटरप्रटेशन अगर मैं समझूं तो मैं आपको बता रहा हूं हु? कि पहली बात तो एंट्रोपी एक क्या है माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना है माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना का मतलब हुआ कि आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है ग्लास ऑफ वाटर मान लीजिए आपने रख लिया और इसके अंदर क्या है वाटर ठीक है अब आपने क्या किया आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया मान लीजिए इसका टेम्परेचर मैंने बर्नर के थ्रू बढ़ा दिया <coughs> जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ाया इसके इंटरनल जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं इनका टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इनके अंदर क्या होता है इनके अंदर रोटेशन वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं और यही चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं ये जो चीज़ें बड़ी रोटेशन वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी ये सब चीज़ें किस बात का प्रमाण है कि इसकी जो एंट्रॉपी है रैंडमनेस रैंडमनेस का मतलब कि अब वो बहुत तेज़ी से डिसऑर्डर हो गए हैं पूरी तरह से जैसे वो वाइब्रेट कर रहा है वो मोशन में होने लगा है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तेज़ी से इधर उधर जा रहे हैं मतलब अभी तक जो अस्थायित्व तो था वो अस्थायित्व तो नहीं रह गया अब वो क्या हो गए रैंडमनेस में आ गए मतलब कि वो डिसऑर्डर हो गए अब डिसऑर्डर का एक और तरीका है इसको समझने का जैसे एक मान लीजिए कि आपके पास देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं <coughs> एक ऐसी एनर्जी, रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस में क्या है रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस में एनर्जी एक ऐसी एनर्जी। एनर्जी कौन सी रैंडम एनर्जी होगी और डिसऑर्डर एनर्जी होगी जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल में फ्रिक्शन है फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन एक एनर्जी लेकिन आप इसका यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते वो एक तरह से खोई हुई एनर्जी है जिसको आप आ, पा नहीं सकते रैंडमनेस में है वो डिसऑर्डर हो चुके है उसका कोई मतलब नहीं है जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो वाटर हैट फ्लोर फ्लोर पे आप वाटर को फेंक दीजिए वो फ्लो अगर आप ग्लास में रखे थे तो वो पीने लायक था उसकी एनर्जी यूज़ करने लायक थी फ्लोर पे आपने फेंक दिया कोई काम की नहीं है ऐसा नहीं कि क्वांटिटी चेंज हो गई क्वांटिटी तो वही है क्वांटिटी वाइज वाटर उतना ही है जितना ग्लास में था उतना ही फ्लोर पे है लेकिन अब फ्लोर पे वो डिसऑर्डर हो गया उसका कोई ऑर्डर नहीं है अब उसको यूज नहीं किया जा सकता बात समझ में आई तो ये होता है कि क्वालिटी वाइज जो है एनर्जी क्या हो गई डिग्रेड हो गई डिग्रेडेशन हो गया उसका इसीलिए हम बोलते हैं कि एनर्जी जो होती है जो एनर्जी रैंडमनेस में हो डिसऑर्डरनेस में हो उसी एनर्जी को हम एंट्रॉप बोलते हैं और एंट्रोपी शब्द का ही मतलब होता है रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस और एंट्रोपी शब्द इंग्लिश वर्ड नहीं है किसी अदर लैंग्वेज से आया हुआ शब्द है इसलिए एंट्रोपी में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है इसी चीज को मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर और समझाता हूं आपको मैं आपको तीन चीजें बताता हूं एक साथ इंटरनल एनर्जी एंथेल्पी एंड एंट्रोपी तीनों चीजों को एक साथ बताता हूं ऐसा एग्जांपल आपने लाइफ में नहीं देखा होगा तीनों चीजें एक साथ आपके पास ग्लास ऑफ वाटर है ग्लास ऑफ वाटर ठीक है अब ग्लास ऑफ वाटर है अगर ये किसी टेबल पर रखा हुआ है ग्लास ऑफ वाटर तो इसके अंदर क्या है इसके अंदर सर इंटरनल एनर्जी है क्या ये फ्लो हो रहा है नहीं फ्लो हो रहा है लेकिन अगर मैं इसी ग्लास ऑफ वाटर को <coughs> यहां से पाइप लगा दू यहां से पाइप लगा दू और इस पाइप में मैं फ्लो करा दू फ्लो करा दू इसी पाइप में जो फ्लो हो रहा है यही ग्लास ऑफ वाटर था लेकिन अब क्या हो गया अगर मैं कहूं कि इसमें क्या हो गया इंटरनल एनर्जी थी प्लस अब एक और काम हो गया फ्लो वर्क एड हो गया मैंने क्या बोला इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो एंथेल्पी एंड एंथेल्पी इज ऑल्सो इंटरनल एनर्जी एंथेल्पी भी एक तरह से इंटरनल एनर्जी ही है एक एनर्जी ही है ये भी एक एनर्जी है लेकिन साथ में क्या हो गया इंटरनल एनर्जी के साथ साथ फ्लो वर्क ऐड हो गया इसलिए ये क्या हो गया यही ग्लास ऑफ वाटर ग्लास ऑफ वाटर आपका था उसमें पानी भरा हुआ था आपने स्टिल रखा हुआ था उसमें इंटरनल एनर्जी थी उसी को किसी पाइप में आपने फ्लो कराने की कोशिश की दैट इज कॉल्ड एंथेल्पी अब उस वाटर के अंदर एंथेल्पी आ गई है वही वो, वो भी एनर्जी लेकिन वो एंथेल्पी आ गई लेकिन अब इसी ग्लास ऑफ वाटर को आपने क्या कर दिया जमीन पे फेंक दिया फ्लोर पे अब ये बह गया आपका ध्यान से समझना बहुत कमाल का एग्जाम्पल है ठीक है अब क्या किया आपने इसको फ्लोर पर फेंक दिया जब आपने फ्लोर पर फेंक दिया तो अब इसकी आपने क्या किया डिसऑर्डरनेस रैंडमनेस को आपने बढ़ा दिया कोई काम का नहीं अभी है, है वही अमाउंट क्वांटिटेटिव लॉ जो कहता है क्वांटिटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग हमारा ये जो ये था इंटरनल एनर्जी जिसमें थी इसका अमाउंट भी सेम था ठीक है इसका अमाउंट सेम था इसका भी अमाउंट सेम है इसका भी अमाउंट सेम है तो क्वांटिटेटिव के अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारी जो एनर्जी है वो चेंज नहीं हुई लेकिन सेकेंड लॉ कहता है इसकी एनर्जी चेंज हो गई अब ये रैंडमनेस में आ गया है तो ये भी एनर्जी अनट्रापी इज ऑल्सो एनर्जी और एक चीज़ और ध्यान रखना ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम चेक करते हैं ठीक है इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है रैंडमनेस में हो गई फ्लोर पे पानी फेंका हुआ है कोई काम का है कोई काम का नहीं इसलिए उसकी रैंडमनेस बढ़ गई तो समझ में एक ही एग्जाम्पल से तीनों चीजों को कैसे रिलेट किया जा सकता है तो एंट्रॉपी आई सो आपको समझ में आई होगी चलिए तो फाइनली हमने क्या पाया फाइनली हमारे पास एक चीज मिली वो क्या मिली कि भाई देखिए हमारे पास था डी क्यू अपॉन्टी इज़ लेस than अब हमारे पास एक चीज़ और आ गई डी एस चेंज इन इन अब मैं क्या करता हूँ इसको इससे कैंसिल आउट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों तरफ बराबर हो गए तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डी क्यू अपॉन टी इज लेस देन इक्वल टू डी एस है कि नहीं ये आपके पास एक कंडीशन आ गई अब इस कंडीशन से भी तीन चीज़ें निकल के आती हैं इस कंडीशन से तीन चीज़ें निकल के आती हैं कौन कौन सी कंडीशन चीज़ें निकल के आएंगी भाई पहली आएगी कि डी क्यू अपॉन्टी इज लेस देन डी एस पहली कंडीशन ये किसके लिए है सर ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगी सॉरी ये ये क्या होगी लेस देन है ना लेस देन है तो ये इरिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगी इरिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है सर यही तो एक्चुअल प्रोसेस होता है दुनिया में कोई भी चीज़ जो एक्चुअल में हो रही है वो इिवर्सिबल है दूसरा कहानी क्या है दूसरा सर है अगर मैं कहूं कि डी क्यू अपॉइन टी इज इक्वल टू डी एस हो जाए तो ये क्या है सर बेटा ये है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस <coughs> रिवर्सिबल प्रोसेस अगर डी क्यू अपॉइन टी इज इक्वल टू डी एस हो जाए तो वो है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस लेकिन अगर कहें कहीं पे डी क्यू पान्टी इज ग्रेटर देन डी एस तो ये वैसे भी आपने देखा नहीं था लेकिन फिर भी अगर ये कहीं बोलता है तो आप लिख देना कि ये इम्पॉसिबल है ये संभव ही नहीं है कि डी क्यू पान्टी जो हो वो ग्रेटर देन डी एस के ग्रेटर दैन हो ठीक है क्लियर है तो दो चीज़ें तो आपको समझ में आ गई एक तो इक्वल टू जीरो है तो यहाँ कोई इशू ही नहीं है एक अगर ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ इशू है तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो इम्पॉसिबल है तीसरी चीज़ जो थी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी रिवर्सिबल साइकिल हमारा ये एक्चुअल साइकिल की बात हो रही थी एक्चुअल साइकिल है तो इस पर डिस्कशन होना चाहिए कैसे मैंने क्या काम किया सर एक्चुअल साइकिल आपने बताया तो मैंने क्या काम किया कि सर डी क्यू अपॉन टी इज लेस देन डी एस ठीक है मतलब अगर मैं इसको ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो मैं ये देखता हूं कि डी क्यू अपॉन टी जो है वो डी एस से चेंज इन एंट्रोपी से कुछ छोटा है अगर मैं इसकी, इसकी इसी को थोड़ा सा पलट के लिखते हैं डी एस इज ग्रेटर टू डी क्यू अपॉन टी ध्यान समझना इसी को मैंने पलट दिया और कुछ नहीं किया मैंने कहा कि सर ये ds जो है वो ग्रेटर देन है कुछ डी क्यू अपॉन टी के अगर मैं यहां पे कुछ ऐसी चीज ऐड कर दूँ, कोई ऐसी चीज ऐड कर दूं जो ये इसको इसके बराबर कर दे पूरा टोटल इक्वेशन को बराबर कर दे तो फिर काम हो जाएगा तो मैंने क्या ऐड किया मैंने ऐड कर दिया ये एंट्रोपी जनरेशन इसी को हम बोलते हैं एंट्रॉपी जनरेशन एक नया टर्म आ गया एंट्रोपी जनरेशन और मैंने क्या कर दिया जब मैंने एंट्रोपी जनरेशन किया तो ये इक्वल टू हो गया फिर क्योंकि अब मैंने जो ग्रेटर था ये चीजें ग्रेटर थी कुछ इसमें मैं कुछ चीज ऐड कर दूं तो इसके बराबर हो जाएगी क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है तो कम में कुछ चीजें ऐड कर दो तो, तो उसके बराबर हो जाएगी जैसे आपका तराजू होता है गांव में आप तराजू लेते हैं तर, तराजू में तोलते हैं आप गेहूं तोलते हैं गेहूं अगर ज्यादा हो रहा है तो आप क्या करते हैं जो आपका बाट है वहां पर आप रख देते हो कुछ ना कुछ अगर वाट में ज्यादा हो रहा है तो आप क्या करते हो गेहूं थोड़ा सा डाल देते हो तो मतलब जिस तरफ कम है उस तरफ कुछ ना कुछ चीजें ऐड कर देते हो है कि नहीं वही काम मैंने यहाँ पे भी किया तो मैंने क्या कर दिया तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई सर डी एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी प्लस डी एस जी एक एंट्रॉपी जनरेशन मैंने ऐड कर दिया तो ये जब मैंने ऐड किया तो इस चीज़ को मैंने एक चीज़ ध्यान से समझा कि सर डी एस जी जो होगा वो क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा ऑलवेज पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव होगा क्योंकि मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ चीज़ों को तो यार मैं इसको ऐड कर रहा हूं तो इस इक्वेशन में कुछ और ऐड होने के लिए ना अगर मैं इसको नेगेटिव कर देता हूँ मान लीजिए तो मैंने इसको और कम कर दिया तो फिर ये मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा इसलिए मैं इसको ऐड करूँगा तो हमेशा ध्यान रखना ये चीज़ ऑलवेज पॉजिटिव होगी क्लियर है ठीक है अब ये जो इक्वेशन आई ये साधारण इक्वेशन नहीं है ये इक्वेशन जो है ये फाइव स्टार नोट की इक्वेशन है फाइव स्टार नोट है कैसे फाइव स्टार नोट इसलिए है क्योंकि यही है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक ये है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक फॉर अ प्रोसेस आपको दो चीज़ें मिली थी यहाँ पे पहली चीज क्या मिली थी ये थी डी क्यू डी क्यू टी इज लेस देन आपके डी एस न क्या था ये डी क्यू अपॉन टीज एक सेकेंड मैंने क्या कहा था कि आपका ये ये जो क्या नाम डी क्यू अपॉन टी है लेस देन क्या था जीरो था ना जीरो था ये हमारा क्या था सेकेंड लॉ सेकेंड लॉ फॉर साइकिल साइकिल के लिए सेकेंड लॉ ऑफ प्रोसेस के लिए मैं बात करूं, आपको पता है है? कि cycle और point, state, cycle और process में क्या difference है? तो process के लिए अगर मैं बात करूं तो ये इक्वेशन जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक फॉर प्रोसेस है ये बात ध्यान रखना अब यहीं से एक बेहतरीन चीज निकल के आती है वो मैं आपको बताता हूं मैंने आपको बताया था आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक ही क्या है आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस है यह मैंने बताया था रिवर्सिबल एडियाबेटिक ही आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस है चलो इसका प्रूफ देखते हैं कैसे चलिए हमारे सामने क्या है हमारे सामने है सर डीएस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी प्लस डी एस जी क्लियर है अब मैं कहता हूं कि अगर हमारे सामने इसकी पहली कंडीशन ले लेते हैं अगर तो ये रिवर्सिबल ये ये देखिए मुझे एक बात बताइए रिवर्सिबल प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबेटिक है रिवर्सिबल एडियाबेटिक है तो इसी क्वेश्चन में क्या होगा डी क्यू क्या हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा है कि नहीं रिवर्सिबल एडियाबेटिक है तो डी क्यू क्या हो जाएगा सॉरी एक सेकेंड यार हैंगिंग <coughs> प्रॉब्लम बहुत है यार इसमें है। तो आप क्या देखिए सबसे पहले सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होती है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होती है इसको समझते हैं <coughs> का मतलब होता है कि डी एस चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा आइसन का मतलब हुआ कि एंट्रोपिक कॉन्स्टेंट एस वन इज टू एस टू आइसेंट्रॉपिक का मतलब हुआ कि एंट्रोपिक कॉन्स्टेंट और एंट्रोपी कांस्टेंट कब होती है जब चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी दैट मींस कि अगर भी अगर कोई भी प्रोसेस एंट्रोपी सॉरी कोई भी प्रोसेस आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस है तो उसकी ये जो डीएस होगी ये क्या होगी जीरो हो जाएगी पहली बात अब इसी इक्वेशन में हम चेक करते हैं कि ये डी कब कब की सिचुएशन में जीरो हो सकता है पहली बात तो ये डीएसजी के बारे में जान लेते हैं डीएसजी जो होता है हमने क्या किया देखिए आपके पास एक चीज आई थी एक साइड में देख लेते हैं एक चीज आपके पास आई थी डी एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी ये आया था आपने क्या किया यहां पे डी एस जी जोड़ दिया और ये ग्रेटर देन की जगह फिर क्या हो गया ये इक्वल टू में आ गया ये चीज क्या हो गई इक्वल टू में आ गई है कि नहीं ये चीज़ क्या हो गई इक्वल टू में आ गई अब आपने जब इसको ऐड किया था तो आपने कहा यह चीज़ क्या है पॉजिटिव है और ये चीज़ किसकी केस में आई थी ये इिवर्सिबल की केस में आई थी? थी ये क्या आई थी इिवर्सिबल की केस में रिवर्सिबल की केस में क्या आया था रिवर्सिबल की केस में सर आया था रिवर्सिबल की केस में आया था डी एस इज इक्वल टू डी क्यू टी आया था रिवर्सिबल की केस में यही आया था हाँ <coughs> तो यहाँ से क्या पता चलता है रिवर्सिबल की केस में इसका मतलब डी एस जी क्या था ज़ीरो था अगर मैं रिवर्सिबल की केस चेक करना चाहूँ तो इसका मतलब रिवर्सिबल की केस में जो डी एस जी था वो क्या था जीरो था ये बात समझ में आई तो अब एक चीज़ और यहाँ से ऑब्जर्वेशन निकल के आती है कि ये जो डी एस जी है या तो ये ज़ीरो होगा या तो ये क्या होगा पॉजिटिव होगा दैट मीन्स कि नेगेटिव हो ही नहीं सकता ऑलवेज पॉजिटिव जीरो भी एक तरह से पॉजिटिव में ही आता है नेगेटिव तो है नहीं तो अगर जीरो होगा तो किस केस हो हो तो सर, और, में होगा सर ये जीरो होगा तो ये सर रिवर्सिबल के केस में होगा हमेशा अगर कोई रिवर्सिबल है तो वहां पे जीरो हो जाएगा लेकिन पॉजिटिव होगा तो ये किस केस में होगा ए रिवर्सिबल के इ रिवर्सिबल केस। बात समझ में आई अब हमें क्या करना है हमको क्या करना है डी एस इज इक्वल टू डी क्यू प्लस टी डी क्यू पॉइंट प्लस डी एस जी हमको डीएस जो है जीरो निकालना है किस किस केस में चलिए इसको जीरो निकालते हैं पहली बात तो ये ये जीरो कब हो सकता है मान लीजिए कि मैं इसको डी मान लीजिए कि मैं डी क्यू अपॉन टी को जीरो कर देता हूँ प्लस ये पॉजिटिव हो जाएगा ये कुछ चीज़ पॉजिटिव है तो ये जीरो हो नहीं सकता इसके लिए क्या करना होगा अगर ये पॉजिटिव चीज़ है और ये प्लस में है तो मैं डी क्यू अपॉन टी को क्या मैं नेगेटिव रख सकता हूँ बिल्कुल अगर मैं डी क्यू अपॉन टी को नेगेटिव लेके आ पाया किसी तरह से जो कि इन रिवर्सिबल साइकिल में यह चीज होती है कि साइक्लिक ऑफ डी क्यू अपॉन टी इज लेस देन इक्वल टू लेस देन जीरो ये इरिवर्सिबल की केस है मतलब कि अगर इरिवर्सिबल की केस में मैं इसको नेगेटिव लेके आ पाऊं और जितना पॉजिटिव ये है उतने नेगेटिव इसको मैं लेके ले आ पाऊं तो आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस हमको मिल जाएगा क्या मिल जाएगा ये आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस पहली बात समझ में आई दूसरी चीज अगर मैं कहूं कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक क्या चीज होती है? रिवर्सिबल क्या होता है पहली बात तो ये कि क्या होता है एडियाबेटिक होता है सर DQ0. और रिवर्सिबल सर रिवर्सिबल प्रोसेस होती है तो अब मैं बताऊं कि अगर रिवर्सिबल पहली बात तो ये रिवर्सिबल मैं ले रहा हूं तो रिवर्सिबल के लिए अगर डी क्यू अपॉइंटी प्लस डी एस जी लिखता हूं डीएस तो ज्यादा ध्यान समझना रिवर्सिबल के लिए क्या हो जाएगा सर रिवर्सिबल के लिए तो डी एस जी जीरो होता है पहली बात तो ये समझ लो और दूसरी चीज अगर एडियाबेटिक है तो एडियाबेटिक में हमारा डी क्यू जीरो होता है सर तो इसका मतलब कि हमारा डी एस जो है ये जीरो आ जाएगा तो मतलब क्या हुआ सर सर ये जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होगा ऑलवेज क्या होगा आइसेंट्रॉपिक होगा बात समझ में इसीलिए मैं आपको बता रहा था यहां पे यह चीज नोट में रखना अपने दिमाग में इसको नोट में रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस सर ऑलवेज आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक जैसे ही मैंने रिवर्सिबल एडियाबेटिक रखा वैसे ही हमको एंट्रोपी क्या मिल गई जीरो मिल गई चेंज इन एंट्रोपी जीरो मिल गई तो मतलब सारे रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस होते हैं ऑलवेज लेकिन मुझे एक बात बताओ क्या सारे आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस अब इसी का उल्टा देखना ऑल आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस ऑल आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस क्या रिवर्सिबल एडियाबेटिक होंगे मुझे बताओ क्या होंगे आप कहेंगे होंगे क्यों नहीं होंगे तो अगर होंगे बेटा तो आल आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस का मतलब हुआ कि किसी भी प्रोसेस में अगर डीएस जीरो तो मतलब है, है. तो चलो चेक कर लेते हैं इसके पहले थोड़ा सा <coughs> यहां पे हमको आइसन डी डीएस जीरो मिला था ये जीरो कहां से मिला था सर ये इसिबल प्रोसेस था और इिवर्सिबल प्रोसेस में एस जी, जी जो होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है और मैंने कुछ अमाउंट ऑफ नेगेटिव चीज़ें ऐड कर दी तो हमारे पास उसी अमाउंट का नेगेटिव चीज़ ऐड करने के बाद आइसेंट्रॉपिक में प्रोसेस मिल गया लेकिन सर ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक तो नहीं है क्योंकि रिवर्सिबल होता तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाती और एडियाबेटिक होता तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाती दैट मीन्स कि अगर वो आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस है दैट मीन्स कि अगर वो डी एस जीरो है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो वो कोई और भी आइस ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है बात समझ में आई इसलिए याद रखना इसीलिए मैं जब भी अभी तक आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस आता था मैंने आपको कहा कि ये समझ लीजिए कि आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस ही रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है लेकिन आज ये बात क्लियर हुई कि आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस ही रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं है ये है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस ऑल रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑलवेज आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस बट ऑल आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस इज नॉट रिवर्सिबल एडियाबेटिक सारे नहीं हो सकते कुछ जरूर हो सकते हैं कुछ का मतलब वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो सकते हैं लेकिन आपके पास सारे आइस प्रोसेस आपके रिवर्सिबल एडियाबेटिक हैं, यह संभव नहीं है तो अब यहां पे एक चीज और समझ में आती है आपके पास दे देते हैं सिस्टम एक और गेट का क्वेश्चन यहां से बनता है कि यूनिवर्स क्या होता है यूनिवर्स की एंट्रॉपी मुझे बताओ चेंज इन एंट्रोपी पहली बात तो आपको पता है यूनिवर्स क्या है आइसोलेटेड सिस्टम ये बात मैंने बहुत पहले जब टाइप ऑफ सिस्टम बताई थी बताई थी यूनिवर्स का मतलब क्या होता है सर सिस्टम प्लस सराउंडिंग सिस्टम प्लस सराउंडिंग ठीक है अब सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये आपका यूनिवर्स होता है अब मुझे बताओ डी एस इज इक्वल टू क्या था डी क्यू अपॉन टी प्लस डी एस जी अब पहली बात तो ये कि ये क्या है आइसोलेटेड सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम है तो डी क्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो डी एस आपके सामने एक ही चीज़ मिला प्लस डी एस जी एंट्रोपी जनरेशन और अगर कोई चीज़ एंट्रोपी जनरेशन हो रही है तो दैट मीन्स कि जो एंट्रॉपी होगी वो क्या होगी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल तो हो ही नहीं सकता इक्वल तो हो ही नहीं सकता इक्वल तो हो ही नहीं सकता तो क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा तो मतलब अगर मैं कहूं कि यूनिवर्स का जो आपका एंट्रोपी होगी वो क्या होगी ऑलवेज ग्रेटर होगी जीरो हमेशा याद रखना ऑलवेज ग्रेटर अब एक और क्वेश्चन बनता है कि सिस्टम की एंट्रोपी होता हो सर किसी सिस्टम की एंट्रोपी जो होगी वो क्या हो सकती है एंट्रोपी सिस्टम की एंट्रापी क्या हो सकती है तो चलिए देखते हैं डी एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी प्लस डी एस जी ठीक है सिस्टम की एंट्रापी क्या हो सकती है पहली बात कितने टाइप की हो सकती है देखिए ध्यान से यहाँ पे कुछ कंडीशंस हो सकती हैं अगर कोई भी सिस्टम है आपका सिस्टम के एंट्रापी को हम कंसीडर करते हैं पहली बात तो ये कि सर ये जीरो भी हो सकती है सिस्टम की इंट्रॉपी जीरो भी हो सकती है इंक्रीज़ भी कर सकती है इंक्रीज़ का मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है सिस्टम की इंट्रॉपी, कैसे सर जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है जिसका जो है क्या है एडियाबेटिक सिस्टम है कोई भी सिस्टम है मान लीजिए वो एडियाबेटिक नहीं है इंसुलेटेड ही है इंसुलेटेड है तो इंसुलेटेड होगा तो डी क्यू ज़ीरो हो जाएगा डी क्यू जीरो हो जाएगा आपका सिस्टम मान लीजिए कि यह हाँ ये क्या है रिवर्सिबल एडियाबेटिक सिस्टम है मान लीजिए भाई ये क्या हो सकता है डी क्यू भी जीरो हो सकता है और डी एस जी भी जीरो हो सकता है भाई रिवर्सिबल एडियाबेटिक ना हो करके कोई रिवर्सिबल है और इंसुलेटेड है मान लीजिए रिवर्सिबल और इंसुलेटेड है तो ये क्या हो सकता है जीरो हो सकता है अब दूसरी चीज ये है इंक्रीज कैसे कर सकती है इंक्रीज के केस में वो बोल दिया कि इंसुलेटेड ही है इंसुलेटेड इंसुलेटेड ही है बस रिवर्सिबल नहीं है रिवर्सिबल नहीं है इन रिवर्सिबल है और इंसुलेटेड है <coughs> तो आप क्या करोगे इंसुलेटेड की केस में सर आपने बताया था इंसुलेटेड की केस में क्या हो जाएगा डी क्यू जीरो हो जाएगा डी क्यू जीरो हो जाएगा और डीएसजी क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा तो ये इंक्रीज भी कर सकती है सिस्टम के इंट्रॉपी नेगेटिव भी आ सकता है क्या बिल्कुल नेगेटिव आ सकता है कैसे सर मान लीजिए डी प्लस डी तो हमेशा पॉजिटिव ही है डी तो कभी कब -कभ नेगेटिव हो ही नहीं सकता लेकिन डी मान लीजिए कि आपका दो है एक एग्जाम्पल के लिए मानते हैं और जो मान लीजिए कि वो नेगेटिव डी क्यू है और ये नेगेटिव डी क्यू मान लीजिए माइनस थ्री है मान लीजिए तो माइनस थ्री प्लस टू इजकअल टू माइनस वन हो जाएगा तो ये सिस्टम की एंट्रापी क्या कर सकती है डिक्रीज भी कर सकती है ये कई बार गेट में क्वेश्चन आया हुआ है तो जब भी क्वेश्चन आए आप इसी फार्मूले से इसी फार्मूले से आप चीज़ों को रख करके निकाल सकते हैं कि इंट्रॉपी इंक्रीज़ करेगी कि डिक्रीज़ करेगी रिमेंस कॉन्सटेंट रहेगी अगर रिमेंस कॉन्सटेंट का मतलब क्या होता है कि आइस प्रोसेस क्योंकि एस वन इज टू एस टू हो जाता है कॉन्स्टेंट रह जाती है दैट मीन्स कि चेंज इन एंट्रॉपी जीरो होगी ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको डिस्कस करने चाहिए आपको समझ में आने चाहिए आई होप सो कि क्लोसियस इन इक्वलिटी के साथ साथ एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा आगे के कुछ लेक्चर्स में हम ये बात करेंगे कि आइडियल गैस का जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या होता है और आइडियल गैस से रिलेटेड कुछ सॉलिड हैं लिक्विड भी हैं उनके साथ भी क्या एंट्रॉपी चेंज होता है चेंज इन एंट्रोपीज की वैल्यूज़ को समझेंगे और फिर अवेलेबल एनर्जी आपकी डिस्कस होगी अवेलेबल एनर्जी और इन रिवर्सिबिलिटी के साथ ही हमारा बेसिक थर्मोडाइनमिक खत्म होगा आई होप सो कि थर्मोडाइनमिक आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है ठीक है तो अपना ख्याल रखना घर में रहना और सुरक्षित रहना यार थैंक यू यार